अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में पावर सेक्टर के सबसे बेहतरीन शेयर कैपको को डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, कैपको पे इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा कैपको को डिस्कस करने का मकसद ये है कि कैपको इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है। और आप देखें कि पावर सेक्टर के तमाम शेयर जो कि इस वक्त पीक पर है, और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको हैवी अमाउंट की पेमेंट की गई थी, जिसकी वजह से पावर सेक्टर में एक मूवमेंट आई थी। पावर सेक्टर में कैपको एक वाइड शेयर है जो कि इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और देखें कि ये डिविडेंड सीज़न है, इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है वो बहुत सारी कंपनीज ने अपने बहुत अच्छे अच्छे डिविडेंड भी अनाउंस किए हैं, और पावर सेक्टर डिविडेंड के वाले से वैसे भी लिक्विडेटिव माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि कैपको वाइड शेयर है पावर सेक्टर में जो बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस करता है और अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा से कुछ ना कुछ देता ही है। तो आज कैपको को मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यूवर्स, मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में टाइमली बताऊँ, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कैपको में अभी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न मौजूद है, तो वीडियो के डिटेल में मैं इस पर डिस्कस करूँगा आपसे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कैपको के फंडामेंटल्स की। कैपको करंट प्राइस इस वक्त 24 रुपीज़ में ये ट्रेड हो रहा है, बहुत अच्छा लेवल है, और शॉर्ट टर्म में इसमें 5 से 6 रुपये का गेन ईजीली मिल सकता है। जिन लोगों के पास है वो अभी इसको होल्ड रखें, और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, इसको बाय कर सकते हैं। मार्केट कैपिटल 22 बिलियन की है, ईपीएस 4.40 है, पी रेशियो 3.96 है, और बुक वैल्यू बेहतरीन है, बुक वैल्यू 80 है। आप देखें 80 रुपीज़ की बुक वैल्यू है और शेयर का प्राइस 24 पर है। बुक वैल्यू अच्छी है, इसका मतलब है कि कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं, और उस हिसाब से कंपनी की जो प्राइस है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है। कैपको पावर सेक्टर का ऐसा स्टॉक है जो साल में 2 मरतबा बहुत अच्छा डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, और 8.5 रुपये का ये डिविडेंड लास्ट ईयर इसने दिया था। हिस्ट्री का आई 99.40 जो कि 2015 में इसने बनाया था। तो कैपको, जो लोग अभी इसमें एंट्री लेंगे कैपको में, तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अभी देखें कि बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट होने वाली है कैपको की। जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट आएगी, और उसके बाद जब ये डिविडेंड अच्छा अनाउंस कर देगा तो बहुत ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। तो 6 से 7 रुपये का गेन आपको ईजीली मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि व्यूअर्स कैपको कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं करता, और मेरा फेवरेट स्टॉक है ये कैपको, और शुरू से ही मेरे पोर्टफोलियो में रहा है ये, और बहुत अच्छा डिविडेंड मैं हर साल इसका लेता हूँ। तो कैपको को आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और आप देखें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका जो लाइसेंस है वो भी रिन्यू हो जाएगा, और गवर्नमेंट इसको हर तरह से सपोर्ट करती है। जब लोड शेडिंग मुल्क में हमारे पीक पर होती है, तो उस वक्त ये होता है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि जितने भी पावर प्लांट कंपनीज हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट किया जाए और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, क्योंकि कंपनीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसी वजह से तो आगे जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी हो सकेगी। और आप देखिए कि हमारे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है, और पावर प्लांट्स जो हैं वो बहुत कम है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर कैपको का अगर गवर्नमेंट लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगी तो ये गवर्नमेंट का अपना नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि कैपको का लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर दे, और हर तरह से सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि कैपको एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत पुरानी पावर प्लांट की कंपनी है। इसके अलावा कैपको की खासियत ये भी है कि कैपको को जो अभी कैपको को जो लोग अभी बाय करेंगे उनको 2 फ़ायदे मिल सकते हैं। एक तो उनको डिविडेंड की सूरत में अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, और दूसरा कैपिटल गेन की सूरत, कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों मिल सकते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म रखने के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है।
डुअल फ़ायदे हैं एक स्टॉक में, और हमेशा से मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है पावर सेक्टर का कैपको, और इस वक्त पावर सेक्टर में सबसे कम कीमत में शेयर ट्रेड हो रहा है। तो व्यूवर्स, कैपको को जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग अभी ले लें, इसमें आराम से 5 से 6 रुपये का गेन मिल सकता है। तो व्यूवर्स, मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊं जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दें, और बस आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।